फाइनली हमको रूम भी मिल गया है 400 रुपये का, और हम पहुंच चुके हैं कंडोलिया मंदिर के सामने। तो आज हम यहीं रुक रहे हैं, इसमें हम सर्किट हाउस में, ये पार्क भी है और पीछे मंदिर का गेट भी दिखाई दे रहा है। भाई कैसा लगा मिराज? एकदम बढ़िया। हाँ, तेरे बाल भी वो सेट रहता है, बिल्कुल सुंदर गिरता है। चल फिर चलते यार, अंधेरा भी हो रहा है, फिर काम भी तो करना है। जय कंडोलिया ठाकुर। जय भोलेनाथ। भाई मंदिर में आके बहुत सुकून मिल गया है। क्यों कुछ सुनसान? भाई शांति एकदम। दर्शन कर लिए, अब अंकुश को दिखाते हैं राशि ग्राउंड, दुनिया का सबसे जो ऊंचे तट पर स्थित है ग्राउंड, वो अंकुश को दिखाएंगे राशि ग्राउंड। उस ग्राउंड में मैंने बहुत बार खेला हुआ है। क्या दुनिया का मतलब हाईएस्ट टॉप पर फुटबॉल का ग्राउंड राशि, अब ये दिखाई पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ऊपर ग्राउंड है। चल डालते आजा, ये दिखाई नहीं होगा। ऐसे भैया ऐसे में देखो, इधर से ऐसे घुमा दो, मतलब इधर उधर फील्ड दिखाओ, फील्ड दिखाओ बस। हाँ हाँ, तो हमको उसको मैंने दिखा दिया राशि ग्राउंड। बहुत कुछ यहाँ पे बदल चुका है, बहुत डेवलपमेंट हो चुका है यहाँ पे। और जिसके याद पे ये रखा था जो ऊपर लिखा हुआ है शहीद राइफलमैन जसवंत सिंह महावीर चक्र स्टेडियम, उनकी ये मूर्ति यहाँ पर है। ये अब उसके इसमें पड़ा अंकुश, ये फौजी की इसमें, जैसे मनदीप सिंह की है, मनदीप सिंह के यहाँ पे कोटद्वार पर रखा हुआ ऐसे कुछ। अभी भैया ने बताया कि क्यों कालेश्वर टेम्पल भी यहाँ पर से 1 किलोमीटर दूर है, तो चलते हैं एक बार। और भैया ने मैं एक और बार बताई कि ये सेकंड नंबर पे दुनिया का मतलब सबसे ऊंचे पर मतलब जो ग्राउंड, ये हैं भाई हमारे वीर द लियोन लविंग मेमोरी ऑफ राइफलमैन जसवंत सिंह ऑफ फोर्थ गढ़वाल, जिनके नाम पे ये स्टेडियम का नाम रखा गया है। अब तो भाई रात के बज रहे हैं इस टाइम पे 7:13, और इस टाइम हम यहाँ पर क्यों कालेश्वर मंदिर में, तो यहाँ से सीढ़ियाँ भी देखते कितना ऊपर जाना पड़ेगा। अंधेरा भी हो रहा है और बिल्कुल घरा जंगल भी है, वो तो अच्छी बात है, लाइट लगी हुई है। कोटद्वार में तो ऐसा है भी नहीं भाई। चलते हैं फिर। जय भोलेनाथ। तो हम पहुंच चुके हैं क्यों कालेश्वर महादेव मंदिर में। अंधेरा भी धीरे धीरे हो रहा है, पर अभी हल्का सा उजाला है। 7:30 बज गए। जय भोलेनाथ, जय शंभु। रात का टाइम है इसलिए अच्छे से नहीं दिख रहा होगा। ये जो यहाँ बाबा जी लोग रहते हैं उनके लिए रहने के लिए काफी अच्छा व्यवस्था। बंद तो नहीं है, खोल से रेंदर। तो गाइस अभी अंदर जा नहीं सकते, बाबा ने जी मना कर दिया। अंदर भी हो चुका है काफ़ी, चलते हैं क्यों कुछ। हाँ नाइट मोड बढ़िया, मैं भी करता हूँ, अच्छा लग रहा व्यू। यह जय कंकालेश्वर महादेव। चल भाई अंदर भी बहुत हो गया, चल चल चल। ये देखो गाइस रात के टाइम पे पौड़ी क्या खूबसूरत लग रहा है। क्यों अंकुश, तो खैर दिखाई नहीं दे रहा, छोड़ फ्लैश बारता हूँ, आप देखिएगा तो है ना अंकुश, मज़ा आ गया। भाई वाह क्या, हम तो यहाँ पे इसको मैंने बोला फोटो खींच भाई। अब देखो पहाड़ में दूर दूर तक लाइट, वो जो लाइट दिख रही है आपको वहाँ पर बहुत बड़ा गांव है, वो फोटो में वीडियो में छोटा लग रहा होगा। हाँ इस टाइम हम ये कंडोलिया वाली रोड पर, क्यों कालेश्वर टेम्पल और कंडोलिया राशि ग्राउंड सब दिखा दिया अंकुश को। तू भी वो लोग बना रहे हैं क्या, कब से कब से भाई? ऐसी ये देखो गाइस, यहाँ पर हम थोड़ा नीचे आए तो पौड़ी का नज़ारा देखो क्या बेहतरीन है भाई, लाजवाब।
जूम करके भी देखो भाई, सबके घर में ऐसे लाइट जैसे लड़ी लगी होगी। काफ़ी अच्छा दिख रहा है, काफ़ी सुंदर दिख रहा है। और देखो मून, देख मून, सफ़ेद मून सर लाल मून हो गया भाई। आइए, अपना बस अड्डा भी नया बन चुका है। अरे अच्छी बात है, देखो ऊपर छत में भी कार पार्किंग है, बहुत ही बढ़िया। अभी फ़िलहाल हम रूम पे चलते हैं। रूम पे हम पहुंच गए और टाइम हो रहा है इस टाइम पे 7:47। अंधेरा भी बहुत हो चुका है, पर रात का जो पौड़ी का व्यू है वो काफ़ी खूबसूरत है, देखने लायक है, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा देख के आपको। और रूम हमारे ये छोटा सा हेट है, सिंगल सिंगल के दो बेड। और ये हमारे बाथरूम तो सही है, 400 रुपये में सही मिल गया, मतलब देखते हैं। चलो फिर गुड नाइट, कल सुबह निकलते हैं डांडा नागराज महादेव के मंदिर में। सुबह जल्दी निकलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से कम से कम बोल रहे हैं 25-30 किलोमीटर, तो निकलना पड़ेगा। रास्ता भी थोड़ा ख़राब है, तो मैं से शायद से बोला है कि सतपुरी तक रोड जाएगी, पर देखते हैं अभी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय यार, गुड नाइट।